तो एग्जैक्टली प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इस चार्ज को कैसे पता लगाया जाए, तो इसके पीछे काम किया था रॉबर्ट मिलिकन ने। तो आपने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी सुना होगा। तो एग्जैक्टली मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा किया था कि एक चेम्बर था, ठीक है, उस चेम्बर में एटोमाइजर कुछ नहीं, वो फुसफुस, जैसे अपन बाल कटिंग कराने जाते हैं तो वो पिचकारी मारता है, स्प्रे मारता है पानी का, तो वो एटोमाइजर कहलाता है, वैसे एटोमाइजर होता है वो, बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं या जो भी लिक्विड जो भी फ्लूइड है तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्रे में बांट देता है, ठीक है, और स्प्रे करते हैं तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बनते हैं बहुत छोटे। तो एक्चुअली मिलिकन जो थे ये पहले पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन पानी के साथ पंगा ये था कि पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो मिल नहीं पा रहा था। तो मिलिकन ने क्या किया, उसको ऑयल से रिप्लेस किया, वाटर जो था उसको ऑयल से रिप्लेस किया। तो ऑयल के साथ जब वो उन्होंने यही काम किया, एटोमाइजर से सब फुसफुस किया, तो ऑयल के बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने। अब वो ड्रॉपलेट जब गिरते थे तो नीचे एक चेम्बर में उन्होंने क्या किया था, एक व्यूइंग माइक्रोस्कोप, यहाँ से वो देखते थे और यहाँ पे लाइट आती थी, ठीक है, तो ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट को उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया था। अब होता ये था कि जब इस बैटरी को स्विच ऑन किया जाता था तो ऊपर वाली और नीचे वाली प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती थी, जिसके बारे में फ्यूचर में देखेंगे। तो फिलहाल आप ऐसा समझो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पैदा होती थी। अब होता ये था कि ऑयल की ड्रॉपलेट जब गिरती थी तो एक्चुअली वो चार्ज हो जाती थी, ऊपर वो यहाँ पे क्या करते थे, कुछ ना कुछ रेडिएशन मारते थे जिससे वो चार्ज हो जाते थे, एक्चुअली वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी ऑयल की ड्रॉपलेट्स, ये वो करते थे कुछ जुगाड़ करके। तो ऑयल की ड्रॉपलेट जब गिरती थी तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर वो बैटरी को बंद रखें तो ऑयल की ड्रॉपलेट सीधा नीचे ग्रेविटी के असर से गिर जाएगी, अगर प्लेट का वहाँ पे स्विच ऑन करें तो ऑयल के गिरने की स्पीड जो है वो कम करा सकते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपने पोटेंशियल इतना कर दिया इन बैटरी का कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स लटक गई बिल्कुल। तो यहाँ पे हो ये रहा था कि ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स थी उनके ऊपर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी, जिसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे, और नीचे तो अपनी ग्रेविटी लगी रही थी, धरती माता का प्यार, ठीक है, तो इस वजह से वो लटक जा रहा था। और इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये पता लगा लिया था एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि एक 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 जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ये आके चिपक रहे थे, ठीक है, तो आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन कितने चिपक सकते हैं, 1, 2, 3 एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चिपक सकते हैं, तो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन चिपक सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन चिपक सकता था। तो वहीं से उन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के एक मेथड से, उन्होंने HCF के मेथड से उन्होंने निकाला कि सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही चिपक सकता है मिनिमम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो उन्होंने चार्ज निकाला, दैट वॉज 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसको आज भी अपन यूज करते हैं अपन कैलकुलेशन में, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला। नेक्स्ट चीज उन्होंने बताया कि 1, 2, 3 ऐसे करके एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चिपक सकते हैं, मतलब होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चिपक सकता है, ऐसा नहीं कि कोई आधा इलेक्ट्रॉन चिपक गया, कोई पौना इलेक्ट्रॉन चिपक गया, तो ऐसा नहीं करेंगे, तो होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चिपकते थे। तो यहीं से उन्होंने बताया कि किसी भी चीज में चार्ज होगा वो एन टाइम्स इलेक्ट्रॉन होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन चिपके, मतलब होल नंबर होगा। तो यहां से उन्होंने क्यू बराबर एन ई, क्यू अपन चार्ज को बोलते हैं और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चिपके हुए। तो यहां से उन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है, और इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि पैकेट्स में चार्ज होते हैं, मतलब फिक्स होता है कि जैसे एक बॉडी में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इतना ही फिक्स्ड चार्ज होगा, ना कम ना ज्यादा। जैसे एक बॉडी में 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज करोगे तो उस बॉडी का टोटल चार्ज निकल आएगा, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, राइट। तो अपने रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन बहुत ही फेमस बंदे थे, इन्होंने आगे जाके आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उनकी इक्वेशन उन्होंने दी थी आइंस्टाइन ने, तो उसको अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब रॉबर्ट मिलिकन जी ने किया था तो उसमें भी उन्होंने आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसको लगा के प्रूफ किया कि बाबा आइंस्टाइन बिल्कुल सही बता रहे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल काम करता है उस इक्वेशन के बेसिस पे। आगे जाके इन्होंने बताया कि स्पेस में भी रेडिएशंस हैं जिनको कॉस्मिक रेज बोला जाता है, तो इनके बारे में फ्यूचर में हम देखेंगे कभी। तो रॉबर्ट मिलिकन वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, आगे जाके आए थे ये, काफी बाद में आए थे एक्चुअली, 1930s-40s की बात है इनकी, तो काफ़ी बाद में आए थे, राइट। तो उन्होंने इस तरीके से एक उनके पास कुछ कंटेनर जैसा था, उसमें उन्होंने एक्चुअली ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। अपन ने जो सेटअप ऊपर दिखाया था वो तो थोड़ा ज़्यादा ही धांसू था, लेकिन एक्जैक्टली उनके टाइम पे उतना ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं, तो उन्होंने इस तरीके से
एक कंटेनर में उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से चार्ज जो है उसको अपन मेजर कर सकते हैं, उनका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट।